ईद उल फितर की तातीलात के दौरान बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर अफराद को साफ सुथरा और सेहतमंदाना माहौल फराहम करके इन्हें ईद के मौके पर बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात फराहम करने के लिए अफसरान व अमले जिस तरह शबो रोज जद्दोजहद करके अपने फराइज पूरी लगन और दयानतदारी से अंजाम दिए गए वो लायक सताइश अमल है। डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कराची वेस्ट के तर्जुमान के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी अब्दुल हलीम जागरानी ने अफसरान व मलाजमीन और पीपल्स लेबर यूनियन DMC वेस्ट के नुमाइंदों से मुलाकात करते हुए ईद की मुबारकबाद दी, जबकि इससे कबल एडमिनिस्ट्रेटर ने म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी गुलाम सरवर राहपोटो के करीबी अजीज के इंतकाल पर ताजियत की और इनकी मगफरत की दुआ भी की, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमजान मुबारक और ईद उल फितर के मौके पर बल्दिया गरबी के हदूद में जो इकदामात किए गए इनकी बदौलत अवाम को न सिर्फ रमजान मुबारक बल्कि ईद उल फितर का साफ सुथरा और सेहतमंदाना माहौल फराहम करने का मौका भी मैसर आ सका। जबकि इस मौके में सैनिटेशन के अमले ने एडमिनिस्ट्रेटर को यकीन दिलाया कि अवाम को सहूलियात की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। जिस तरह रमजान मुबारक और ईद उल फितर के मौके पर अवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए इकदाम किए गए थे, इसी तरह से इन इकदाम को तसलसल के साथ साथ जारी रखने के लिए भी तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बुरुए कार लाया जाएगा। नदीम सिद्दीकी, M7 सिटी न्यूज, कराची। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।